तो भाई काफी दिन हो गए थे कुछ वीडियो नहीं बनाए थे। मैं सोच रहा था क्या वीडियो बनाऊं, सोचा इसको पहले धो ही लूं, फिर उसके बाद देखा यार इसको कितना गंदा हो गया भाई ये पल्सर हमारा। सोचा इसको साफ करे और अंदर खड़ी करे जहाँ इसकी पहले जगह थी। भाई साहब इतनी सोनी सोनी जगह होगी, मतलब वैसे तो जब कराया था प्रोग्राम तब जगह नहीं थी, लेकिन अब खैर प्रोग्राम खत्म हो चुका है तो अब इसको हम यहाँ पर ऐसे खड़ी कर सकते हैं। तो अंदर उसको धोकर लेके आता हूँ, मैंने पाइप देख रहा हूँ पहले बिछा दिया, उसको पहले धोता हूँ फिर उसको अंदर लेके आते फिर वापसी खड़ी करते। जो बाहर इतनी गंदी कर देते हैं यार कबूतर, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ऊपर वो दिख रहे हो उसकी पूंछ दिख रही है आपको, ये दीवार भी उन्होंने गंदी करी हुई है, कुछ करना पड़ेगा कबूतरों का। A few inches later. तो भाई अब इसको हमने धो तो लिया, अब देखते हैं चालू होती है कि नहीं। देख रहे हो आधा सिर कटा हुआ इसका, मतलब पूरा ही टूट गया वैसे वो जो मीटर से था इसका। देख रहे हो लाइट में जान तो अभी भी आ रही है इसकी, लाइट में जान। हाँ ये देखो लाइटें वाइटें चालू हो रही है, वो तो होएंगी। लेट्स सी किक मार के स्टार्ट होती है कि नहीं। इधर को बुलेट का इधर को ऑन होता है, इसका उधर को ऑन होता है, दोनों उल्टे ही हैं। नोप। जाती थी किधर से नीचे लेके जाओ क्लच छोड़ो स्टार्ट, तो गियर भी तो करनी पड़ती है, पेट्रोल भी तो नहीं है। एक बार हिला के चेक करिए आवाज आ रही है पेट्रोल की, आवाज आई थोड़ी सी आपको आ रही है भाई? नहीं आ रही। तो भाई स्टार्ट करने के पार्ट टू चल रहा है, भाई साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा सा, मतलब कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिस तो कहीं। देख रहे हो करंट बनना शुरू हो रहा है, आवाज सुनो करंट बनना शुरू हो रहा है। चलो फाइनली 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 कुछ कहना चाहोगे? एक दो तीन और मैं मारता तो स्टार्ट हो ही जाता। भाई मेरे पैर से स्टार्ट होना नहीं थी, तेरे पैर से कैसे जाता? तो मैंने बनाया ना आगे ना। वो देखो कैसे था। तो भाई अपनी पल्सर पे मतलब पूरा महीने बाद तो वैसे स्टार्ट करी है, सुबह के मुझे मिला स्टार्ट करने का और बढ़िया लग रहा है संडे के दिन पल्सर के ऊपर घूमने में, क्योंकि आज भाई बादल हो रखे हैं, धूप गायब है, सुबह थी लेकिन हम काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आराम से बिटे, ब्रेक का नहीं पता अभी इसका, बंद कर दी, मजे मतलब ज्यादा। अब जैसे भाई पल्सर को हमने धो दिया है, इसको साफ कर दे, फिलहाल आपको पता है कैमरे के अंदर गंदे लग रही है लेकिन अभी साफ लग रही है, हो चुके साफ। और अपना बेड वगैरह हमने फिर से वैसे सेट कर दिया जैसे पहले सेट किया था, बेडशीट बिछा लेंगे अब, बाकी चीजें भी सेटअप कर दिए बाकी पहले जैसे, पूरे महीने बाद हमें टाइम लगा है। अब सोच रहे कि भाई बुलेट का मॉडिफिकेशन जो है ना खुद ही घर पे कर ले, क्योंकि मेरे पास टाइम तो लगता नहीं ऑफिस की वजह से कि कहीं मैं बाहर जाके करवाऊँ, जो हम घर पे कर सकते हैं अब वो खुद कर ही लेते हैं यार। चलो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो आगे फ्रंट से हम कुछ कर सकते हैं जो कर सकते हैं, चलो करते हैं। भाई इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ ये दो हथियार से अपने टूल्स, जो कि हम आगे से इसका कुछ कर सकें। लेट्स सी, सबसे पहले बहुत बढ़िया चीज़, पहले इसका जो मॉडिफिकेशन हम करने वाले घर पे, उसके लिए सबसे पहले जो बेकार सी चीज़ें हैं इसको उठाओगे ऐसे कर। दिखा दिख गया का पता नहीं कहाँ गया भाई, पता नहीं कहाँ दिया इधर उधर। अब ठीक है, अब ये बढ़िया लगता है ना ऐसे मीटर अपना जो, अब देख रहे हो खत थोड़ी गंदी हो रही है, इसको हटाओ। अब भाई ये और हथियार दो, कौन से वाला ये क्या? अब इसको हम साऊ से जो डेवल वाले बनाने वाले उसको यहाँ पर ऐसे, साऊ मतलब शरीफ से इसको भाई उल्टा ना कर दूँ, इतनी पावर भाई मेरे पावर लगती है बुलेट, मजाक थोड़ी है, उल्टा करोगे तो लगेगी। हाँ चलो ये शीशा खोल के और मस्त लगती है, बाकी वैसे भाई इसके ऊपर चलाना है संडे संडे को होता है। हाँ पहली मॉडिफिकेशन तो हमने कर ली है इसकी, ऐसे ही लगती बहुत बढ़िया, दो हो गई। अब जो बहुत ज़्यादा मेन है और उससे इसकी लुक एकदम ही बदल जाती है वो भी कर, और ड्राइविंग प्लेजर भी बदल जाता है जैसे हम कार का स्टीयरिंग करते हैं ना टेलीस्कोपिक वो वाला सिस्टम वो भी करते हैं इसका। के लिए यहाँ से हमें कुछ करना, यहाँ से अब हम ऐसा प्यार से ताकि नीचे उस पर ना लग जाए कहीं टंकी पे। भाई अब एक नट ये वाला खुल गया, लूज हो चुका है। अब दूसरी वाली साइड का लूज़ करेंगे, इधर वाली साइड का अभी, इधर वाली साइड का भी थोड़ा सा लूज़ कर दिया जाएगा सेफ्टी के साथ ताकि टंकी पे ना लग जाए, हाथ की सेफ्टी के साथ। तो भाई नॉर्मल हैंडल होता है इसका ऐसा, लेकिन अब जैसे कि हमने नट खोल दिए तब हम इसको कर देंगे कैसे
ऐसे, और भाई इतना मस्त लगता है ना ऐसे। लेकिन भाई चलाने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे, ये नहीं कि बिल्कुल ही नीचे कर दे और चले ही ना। अब देखो एंगल, देखो एंगल, देखो पहले पहले कितना होता है, पहले ऐसे होता है बिल्कुल जो कंपनी से आता है वो शीशे बिल्कुल सीधे। अब इसको कर दो थोड़ा टेढ़ा, ये यही बात, बस इतना मजे वाली बात। और असली जो रॉयल एनफील्ड लगती है ना ऐसे लगती है। अब भाई अब हम इसके यहाँ से दोनों नट कस देंगे, उसके बाद अपना हो गया हैंडल और उसे बिल्कुल खाड़कू वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम घर पे बैठे बैठे, मतलब घर पे यहाँ भाई अपने अपने घर पे बैठे हुए ना, तो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अंदर। बस 13 नंबर की ऐसे वाली चाबी ले आओ भाई, ऐसे वाली जैसी कि हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि हमारी दुकान है तो इसलिए हमारे पास है। ये तो वैसे भी स्कूटी की है, ये स्कूटी में मिल जाती है वैसे आपको, वैसे हमारे पास स्कूटर था इधर ना। अच्छा हाँ, मतलब वैसे कह रहा हूँ आपको मिल जाता है हजारों के अंदर। 13 नंबर का होना चाहिए अगर भाई बुलेट है आपकी BS6 वाली तो, ठीक है। 13 नंबर का ये वाला शीशों के लिए और 13 नंबर का ही वो। तो इस तरीके से अब हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं भाई, पार्ट वन बनाया है इसके अंदर, सिर्फ मैंने ये दिखाया जो हम घर पे कर सकते हैं। ध्यान से इसको पूरा टाइट कर देना, पता चले ब्रेक मारो तो हैंडल आगे, ब्रेक छोड़ो तो हैंडल पीछे ये नहीं होना चाहिए भाई। अब देखो हैंडल टेढ़ा करने के बाद, हैंडल पहले जब सीधा था ना तब ऐसे पकड़ते थे, अब हैंडल टेढ़ा हो गया तो नीचे। अब देखते हैं कैसा लगता है चला के। लग तो बढ़िया लग रही है, ये हॉर्न तो आपको हमने दिखाया नहीं अभी तक। हॉर्न भाई साहब करेटा फेल हो रही है, ये वाला हॉर्न जो हॉर्न हमने देख रहे हो, मजाक से हट के सारे बंदे एकदम से डर जाते हैं। और जोन साहब ने गाड़ी में लगा रखा है, जैसे ये भैया देख रहे थे मुड़ के इनको लगा गाड़ी आ रही है, तो जोन साहब ने अपनी कार में लगाया वही सेम हमने इसके अंदर भी लगा लिया। अब भाई बढ़िया लगते हैं ये, देख रहे हो अब हैंडल भी मुड़ गया ना तो ज़्यादा बढ़िया से लुक आ रही है। देख रहे हो इसको, इस होल को सब, वो भाई सब तार तार थी भाई नीचे इसको देख के आप समझ सकते हो कि हमने हैंडल कैसे टेढ़ा कर दिया। ये सीधा होता है बिल्कुल, अब ये बिल्कुल ऐसे हमें सामने पढ़ाई में आ रहा है, तो समझ सकते हो कितना टेढ़ा हो चुका है हैंडल। और शीशे पूरे नीचे आ गए, शीशे पे तो दिखता ही नहीं कुछ भाई पीछे, इसकी सेटिंग भी खोल के करनी पड़ेगी अगर करने जाओ तो। वैसे तो ऐसे बढ़िया बिना शीशे के भी चल जाती है बुलेट, क्योंकि हमने पीछे थोड़ी चलना होता है, मतलब हम सबसे आगे निकलते रहते हैं तो हमें, चलो आगे से देख चलते हैं। तो फुटरेस्ट खोल ले भाई, सिलेंसर गर्म हो जाता है इसका, ध्यान से रखियो। ऐसे बढ़िया लग रही है भाई, बाकी अभी मैं ढक्कन तो निकाल के फेंका, उसको ढूंढ के लगा दूंगा तो इसके ऊपर स्क्रैच क्रूच पड़ जाएंगे। ऐसे देखने में मस्त तो लग रहा है बहुत ज्यादा, तभी रहेगा ऐसे। जब कोई उखाड़ के ले जाएगा ना तभी इसको ऐसे रखूंगा मैं, नहीं तो जब तक वो है मेरे पास तब तक इसको लगा के रखूंगा मैं। तो भाई ये डब्बी जैसे कि भाई बता रहे सीधी होनी चाहिए, तो इसको देख ही लेते हैं, खोल के देख लेते हैं, अगर हमसे घर पे खुलता है तो ठीक है, खुल तो जाएगा मेरे ख्याल से, खुलना तो चाहिए, खुल गया मेरे ख्याल, खुल गया। अब भाई साहब अब बात है, नहीं मेरे को लगा ऊपर फ्रीली घूम रहा है, चलो सही है, इसको भी आगे को घुमा देंगे, ले घूम गया बस सही है, इधर भी साइड का भी कर देंगे इसको, कोई नहीं। ब्रेक कैसी लग रही है, सही लग रही है कि नहीं? अरे ब्रेक तो सही है, वैसे ही लगती है, नहीं नहीं ऊपर नीचे करके, हाँ मतलब ठीक है ठीक है, बंद कर दे शीशा लग जाएगा ना, सही है, मतलब कि चलाने का भी डर नहीं रहेगा फिर। इसके लिए हमें चाहिए था 8 नंबर का, इसके लिए अब हमें चाहिए 10 नंबर का, 10 नंबर वाली चाबी लगा के, हाँ ठीक है 10 नंबर लिखा हुआ, पता लग जाएगा जो खोलने वाला है। तो ये नॉर्मली खुल गया, नॉर्मल खुल गया, मतलब ये ढीला हो रखा था पहले से ही भाई, बस 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 ज़्यादा नीचे नहीं, अप टाइट कर दो यहीं पे इसको, इतना बहुत है ठीक है। वायर की वजह से ना अब जा रहा है ना अंदर से ही, शीशे वाला सीधा होना चाहिए, शीशे वाला सीधा होना चाहिए भाई, हैंडल तो चलो मोड़ा ठीक है, शीशा सीधा होना चाहिए, शीशे पे दिखे भी तो सही, पीछे कुछ दिखता ही नहीं। चलो भाई अभी तो पार्ट वन के अंदर सिर्फ इतना ही था, अभी लेट्स सी पार्ट टू के अंदर हम क्या मॉडिफाई करते हैं एट होम। बाय बाय।